कोरोना वायरस के कारण दोबारा घोषित हुए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को लगातार मदद की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने बुधवार को तहसील क्षेत्र की 3 जगहों पर लगभग 250 जरूरतमंदों को राशन किट वितरण किए। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायक सबसे पहले सैदपुर गांव पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंस का पालन का ख्याल रखते हुए उन्होंने लगभग 150 जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा नेता निर्मल शर्मा, ग्राम प्रधान दिनेश पांडे, करिया शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक ने रोजा गांव व सूजागंज बाजार में दोनों जगह 50-50 जरूरतमंदों को राशन वितरण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन कार्ड धारकों को बांटना शुरू हो गया है। ऐसे में जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों की भी मदद की जा रही है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गरीबों और असहायों की मदद की जा रही है। गरीबों की मदद आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर SDM विपिन सिंह, कानूनगो विश्वनाथ सिंह, ग्राम प्रधान रोजा गांव रामचंद्र यादव, सतीश यादव आदि लोग मौजूद रहे। अपने रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आज से प्रधानमंत्री कल्याण योजना का चावल और वो खाद्य सामग्री बंटना शुरू हुई है। ऐसे में जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, ऐसे उन पात्र परिवारों को राशन का किट, खाद्यान्न सामग्री हम लोग पूरे तहसील क्षेत्र में बांट रहे हैं। अभी हम लोगों ने तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी के साथ बैठक करके और भी, चूँकि अभी 3 मई तक का समय बढ़ा है लॉकडाउन का, और कोई कठिनाई ना आवे इसके नाते और भी विस्तृत तैयारी की गई है। अभी सैदपुर में भी 150 पात्र ऐसे गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्री दी गई है। यहाँ भी करीब 40 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री दी गई है। अभी सूजागंज में भी इस तरह के परिवार हैं जिन्हें हम लोग देने के लिए जा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, जिन्होंने 7 अपील की है, उसमें एक अपील ये भी है कि बेसहारा और गरीब परिवारों को हर तरह से मदद की जाए। उस क्रम में हम लोग पूरे क्षेत्र में एक अभियान चला करके ऐसे गरीब परिवारों की सेवा करेंगे।